जैसा कि मैं लगातार दिखा रहा था, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थानीय नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और नामांकन पत्र आज खरीदे जा रहे हैं। लेके चलते हैं तहसील जानसठ। तहसील जानसठ में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध, तहसीलदार जानसठ पहुंच गए हैं और नायब तहसीलदार उनके साथ हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध के लिए देख सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं, लगाई गई हैं। SHO जानसठ हो या मुजाफ्फपुर, निकटवर्ती क्षेत्रों की पुलिस भी यहां पर लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि किस तरह से यहां पर एक मेटल डिटेक्टर की बात होगी। हालांकि वो अभी लगा नहीं है, लेकिन मेटल डिटेक्टर का ये बॉक्स है और मेटल डिटेक्टर भी अगर कोई भी असामाजिक तत्व या कुछ हथियार लेकर इसके अंदर आएगा तो वो बोल जाएगा। ऐसे यहाँ पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि किस प्रकार जो आने वाला वक्त है 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा और 17 तारीख तक जब आज नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है और नामांकन पत्र की बिक्री के बाद नामांकन पत्र भरे जाएंगे। भारी पुलिस व्यवस्था आप देख सकते हैं और भी हम आपको ये जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि क्या कहा इस दौरान अधिकारियों ने। ऐसा है तहसील के मालिक तहसीलदार बस अच्छी बात है जी बाबू जी बात है। तहसील जानसठ परिसर को पूरा मैंने आपको दिखा दिया है। सीधा रुख कराएंगे, DSP शकील अहमद साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। सर स्वागत है आपका। सर तैयारियां किस तरह से करा रहे हैं, क्योंकि नॉमिनेशन आज खरीदे भी जा रहे हैं और नॉमिनेशन फाइल भी होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव की जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए पुलिस की जो व्यवस्था है वो बहुत ही चाक चौबंद और सभी ड्यूटी पॉइंट्स पे जो अलर्टनेस के साथ जो खड़ी की गई ड्यूटियाँ और किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों को के साथ जो है सख्ती से निपटा जाएगा। बाकी पूरी शांतिपूर्ण तरीके से और पूरी पारदर्शिता के साथ है ये पूरा नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया को सम्पन्न कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिसका प्रकार में आपको अभी शकील अहमद साहब जो DSP जान सकते हैं, उन्होंने दावा किया है कि असामाजिक तत्वों पर भी पूरी चिन्हित किया जा रहा है और पूरी खास उस पर निगाह रहेगी। इसके साथ साथ ही उन्होंने खुद तहसील परिसर का आज आप देख सकते हैं किस प्रकार निरीक्षण कर रहे हैं। बैरिकेडिंग क्योंकि यहाँ पर लगा दी गई है, उपजिलाधिकारी कार्यालय से लेकर DSP कार्यालय तक और जो भी चीज़ होगी उसका किया जाएगा। आप लोग सर करा रहे हैं आदर कर सकता है जो भी आगे आप मैं एक वो फाइल कर दूंगा और रेडी होंगे वो आपसे कर लेना वो कर लेंगे चेक करके बता देता हूं। तो अभी आप देख रहे थे ये थे न्यायालय उपजिलाधिकारी उपजिला मजिस्ट्रेट जिनको भी आरओ बना दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं संबंधित आरओ अपने अपने कार्यालय में बैठ चुके हैं। लेकिन अभी तक जो आज प्रथम दिन है, ख़ासतौर से अगर बात करें उपजिलाधिकारी न्यायालय की, तो यहाँ पर कोई भी बिक्री अभी तक दोपहर हो चुके हैं, किसी भी नामांकन पत्र की ना तो कोई बिक्री हुई है और ना ही कोई नामांकन पत्र भरा गया है। पहला दिन है, दोपहर का वक्त है, लेकिन सुरक्षा के कड़े प्रबंध
कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस भी रहेगी, पूरी निगरानी रहेगी। निगरानी के साथ साथ इसके अलावा जो जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी हैं अरविंद मलप्पा बंगारी, वो भी कुछ समय के बाद जानसठ तहसील का भी निरीक्षण करेंगे और सभी जगह वो जा रहे हैं, देख सकते हैं वो खास तस्वीरें। तो लगातार जो भी हर पॉइंट है, हर पॉइंट को पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है और इसके साथ साथ बाहर की फोर्स भी लगाई गई है, स्थानीय फोर्स भी लगाई है, सभी को मुस्तैद रहने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन अभी कोई कहीं से बिक्री या नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की सूचना नहीं है, दोपहर तक का ये वक्त है। जिलाधिकारी भी पहुंचेंगे, जिलाधिकारी क्या कहेंगे वो भी हम आपको अपडेट कराएंगे। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ, आरिफ चीचमैली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।